मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। पूर्णिया में झपट्टा मार गिरोह के द्वारा चेन स्नेचिंग का मामला लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता चौक के समीप ध्रुव उद्यान के पास ललिता देवी नामक एक महिला उस वक्त झपट्टा मार गिरोह का शिकार हो गई जब वह सुबह वॉकिंग के लिए निकली हुई थी। इसी दरमियान झपट्टा मार गिरोह के दो युवक बाइक पर सवार होते हुए ललिता देवी के करीब आए और उनके गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। ललिता देवी कुछ समझ कर शोर मचाती तब तक दोनों युवक तेज गति से फरार हो गए। ललिता देवी ने संदर्भ में स्थानीय थाने में लिखित शिकायत कर दी है। मैं सुधीर प्रसाद यादव, मेरा वाइफ जो है 6 बजे डेली बराबर जो है ध्रुव उद्यान जाती है घूमने के लिए, और वहाँ से आने के क्रम में 7:15 के लगभग में जो है ये अशोक मुकेश पदार घर के आगे से उसका गला का चैन जो है झपट्टा मार छीन के भाग गया। वो लोग उत्तर साइड से आया, दक्षिण सीधा जो है सेंट पीटर स्कूल के तरफ भाग गया। हम इस जगह थे नहीं, बाद में हमको फ़ोन किया गया, उसी समय एक लड़का फ़ोन किया, हम वहाँ से दौड़ के आए, देखते हैं सब पता ऐसे ऐसे। उसके बाद हम फिर के हाथ फ़ोन किए, वहाँ से आया, इधर उधर जो भी हुआ देखा। लेकिन ये तो मोहल्ला का ये गनीमत है कि यहाँ तो कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है, कभी कोनो घटना यहाँ घट सकता है। पियक्कर सब घूमते फिरते रहता है, न पुलिस प्रशासन का कोई इस पर ध्यान है, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे यहाँ। मान के चलिए तो आभूषण पहनना लेडीज लोगों के लिए तो दुर्भाग्य हो गया। घर से गए घूमने के लिए पार्क, ध्रुव उद्यान पार्क, उधर से घूम रहे थे, घर आ रहे थे 7:15 घर से 100 मीटर के दूरी मुकेश पदार घर के आगे, उधर उत्तर से दो आदमी आया बाइक से, गला से झपट कर घींच लिया चैन। उसको पहचान रहे थे? नहीं पहचान रहे थे। कितने आदमी से थे आप लोग? 3 आदमी से उस जगह। कितना का था वो सोना? 22 ग्राम का सोना का चैन। हाँ, सोना का चैन। किधर भागा था वो? सेंट पीटर स्कूल के तरफ, दक्षिण तरफ सेंट पीटर स्कूल के तरफ। कौन सा गाड़ी था ऐसा कुछ नहीं पहचान पाए गाड़ी सब। घूमने के लिए डेली जाते थे पार्क से घूरे न, तो वहाँ आए मुकेश पोदार के घर के पास, हम लोग आ रहे थे बगल से उत्तर साइड से आया दो, एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश, और पीछे से झपटा मार के चैन छीन लिया। 22 ग्राम के चैन था, मेरी सहेली थी बगल के पड़ोसी, हम लोग दोनों साथे थे, भाग गया दक्षिण बगल भागा सेंट पीटर स्कूल की तरफ। हम लोग दौड़ते दौड़ते भी गए लेकिन भाग गया। तो क्या पहचान नहीं पा रहे थे? पहचान नहीं पाए, न गाड़ी पहचान पाए, न आदमी को पहचाने। क्या लगता है पहले से उन लोग प्लानिंग किया हुआ था? पहले से लगता है प्लानिंग किया था। उन लोग किधर से निकला था? उधर दक्षिण तरफ से आया, उत्तर तरफ से ना, मेरे मोहल्ला की तरफ उत्तर बगल से आया, दक्षिण तरफ सेंट पीटर की तरफ भाग गया। हम लोग दौड़ दौड़ के गेबो किए लेकिन आगू भाग गया। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।